क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास उतना संसाधन नहीं है, लेकिन वो आगे हैं। थोड़ा सा नीचे वाला एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आपने स्टेप ऊपर किया। और आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है, पोस्ट आपको मिल जाती है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग एक दो बार प्रयास करके छोड़ देते हैं एग्ज़ाम को। आज मेरे साथ हैं अश्विनी भाई, जो कि झारखंड से हैं। इनका दो बार असम राइफल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, दो बार इनका क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया। वैसे ही एक बार आर्मी में भी उनका फाइनल लिस्टिंग में नहीं आया, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। मुखर्जी नगर के एक बहुत ही छोटे से कमरे में रह के अपनी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार, और साथ ही CAPF, जो आप जानते होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक। अश्विनी भाई, सबसे पहले तो आपका स्टूडेंसी पे स्वागत। थैंक यू भैया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड, वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा निकलते, साथ ही कोयला वगैरह का भंडार है, लेकिन माना जाता है कि वो अभी भी विकास के दृष्टि से काफ़ी पीछे है। थोड़ा अगर उस बारे में कुछ बताना चाहें कि इतना संसाधन होने के बाद क्यों इतना पीछे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास उतना संसाधन नहीं है, लेकिन वो आगे हैं, कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी बताना चाहेंगे आप झारखंड के बारे में? जी, जैसे कि झारखंड में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले तो कोयला उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मतलब कि ब्लैक डायमंड के नाम से धनबाद जिला को जाना जाता है, और झारखंड में यहाँ तक यूरेनियम भी मिलती है जादूगोड़ा में, जो हमारे झारखंड स्टेट से ही वो होती है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे झारखंड में भी जो सबसे बड़ा DVC प्लांट है, डैम है जिसे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। तो मतलब ओवरऑल हमारे स्टेट में ऐसा सब कुछ है जिससे कि हर एक युवा को मतलब रास्ता मिल सकता है, लेकिन वहाँ के जो डेवलपमेंट है वहाँ कम है, लेकिन हो सकता है। लेकिन हमारे वहाँ के जो, मैं निवेदन करूँगा अपने राज्य सरकार से कि वो थोड़ा सा इस चीज़ पे, युवाओं पे ध्यान दे, वहाँ भी एडुकेशन का थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाए, वहाँ पे वो सारा सोर्स अवेलेबल करवाए, ताकि लोग अपने घर पे ही रह के अच्छे से अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सके। ठीक है सर, आपने दो असम राइफल का एग्ज़ाम क्लियर किया, फाइनल लिस्टिंग में नहीं हुआ, आर्मी का वैसे ही आपने किया, फाइनल लिस्टिंग नहीं हुआ, ये सब देखते हुए बहुत सारे बच्चे हैं दम तोड़ देते हैं, लेकिन आपने उससे बड़ा एम डिसाइड कर लिया UPSC। क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पे किस प्लानिंग के साथ आप आए हो, क्योंकि इतने फेलियर जो हुए थे, हो सकता है आपके अंदर एक थोड़ा मनोबल हो सकता है या तो कम हुआ होगा या फिर बहुत बूस्ट हुआ ही होगा, तभी तो आपने UPSC का रास्ता चुना है। तो अब स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपकी, क्या लगता है आपको? जैसा कि सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली का सपोर्ट है मेरे ऊपर, मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ हासिल कर लूँ। और जैसा कि मैंने 3-4 साल मैंने बहुत सी छोटी छोटी एग्ज़ाम दी डिफेंस की, जैसे मेरा शुरू से रहा है कि मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर हूँ, मुझे डिफेंस में ही जाना था, तो अब किस्मत साथ नहीं दी और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत भी कमी होगी, जिसके हिसाब से मैं अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया, बट मैंने हार अभी तक नहीं मानी है। और मैंने UPSC का सोचा है कि UPSC भी CAPF की एग्ज़ाम लेती है, तो मैं उसमें अपनी प्रतिभा को दिखाऊं और अच्छा रैंक हासिल करूं। एक टर्निंग पॉइंट और साथ ही हो, मुझे लगता है कि आपके लाइफ का भी ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, जब आपको उतने एग्ज़ाम आपने क्लियर किया बट शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, ठीक है, उसके बाद UPSC का जो आपका ख्याल है, ये मोटिवेशन कहाँ से आपको, क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे हताश होंगे, अपना लेवल, अपने एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा नीचे करेंगे कि हो सकता है ये नहीं निकल रहा तो मुझे थोड़ा सा नीचे वाला एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आपने स्टेप ऊपर किया, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया और क्या सोर्स रहा इस मोटिवेशन का आपके? जैसे कि मैं बता दूं कि मैं एक NCC कैडेट भी हूं, और मुझे ये सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे प्रभावित किया मेरे वहाँ के यूनिट में, जब मैं NCC कैंप में रहता था, तो जो ऊपर रैंक के जो होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, जो कैडेट होते थे, वो मतलब कि एक दूसरे कोशिश करते थे कि वो दबाते थे, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँगा, मैं भी उससे बड़ा बनूँगा और मैं सबको मौका दूँगा। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने ये सोचा कि बहुत
छोटा छोटा एग्ज़ाम दे के अब कुछ नहीं हुआ तो अब मैं सीधा एक हार्ड स्टेप लेता हूँ कि या तो करूँगा या तो कुछ सीख लूँगा। यही सोचकर मैंने यूपीएससी का मतलब निर्णय लिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। चलिए फाइनल एक और आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है, पोस्ट आपको मिल जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप वहाँ जाके सिस्टम उस सिस्टम में चेंज करना चाह रहे हो, एक ऐसी बात बताना चाहें। जैसे कि अगर यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट में बन जाता हूँ डिफेंस में, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितने भी हमारे नीचे ऑफिसर होंगे और या जितने भी सोल्जर होंगे, उन सबको हमेशा प्रोत्साहन करूँगा और कभी उसे निराश नहीं करूँगा। उसे हमेशा मनोबल बढ़ा के रखूँगा कि हम भी आप ही की तरह हैं, और जितना भी मेल मिलाव करके रखा जा सके, उससे क्या होता है ना कि अगर हम किसी से अगर अच्छे से मेल मिलाव करके रखें तो हर वो काम करने में भी आसानी होती है। और हर चीज़, अब जैसे कि एक डिफेंस होता है वो अपने घर से परिवार से बहुत दूर रहता है, और दूर रहने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही मेंटली प्रेशर में रहता है, तो वो सब ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग मिल के रहें, अच्छे से काम करें, जिससे हर कोई खुश रह सके। विश यू ऑल द बेस्ट सर, होप इस बार आपका हो।